तो दोस्तों, अभी जो है एक ट्रायंगल हो रहा है, मनारा, मुनावर, अंकिता, जी हाँ, और राइडर भी। मनारा जो है वो चाहती है कि राइडर और मुनावर उसके साथ रहे, स्पेशली मुनावर, है ना। यहाँ पर अंकिता जो है वो चाहती है मुनावर उसके साथ रहे। तो ये जो चीज़ है बहुत गंदा होगा आगे जाकर दोस्तों। तो मुनावर ने दोस्तों मतलब क्या हुआ, मुनावर ने अभी थोड़ी देर पहले लाइव फीड चल रहा था, अभी भी लाइव फीड चल रहा है। अभी लाइव फीड में अनुराग और मनारा बात कर रही है ना। और अनुराग ने बोला कि अगर नॉमिनेशंस में खानजादी और मनारा हुए तो अनुराग बोले तो मैं मनारा को सेव करूंगा। तो अनुराग मनारा को बहुत वो करता है अभी। तो यहाँ पर मुनावर ने कुछ देर पहले बोला, रिंकू के साथ बैठी हुई थी मुनावर, मुनावर रिंकू जी के साथ बैठा हुआ था वो। तो मुनावर ने बोला मेरी जब हद पार होगी तो मैं भी, है ना, जीना दुश्वार कर दूंगा मनारा का, है ना, मुश्किल कर दूंगा। मुनावर ने मनारा को मतलब हर जगह पे स्टैंड लिया ना मुनावर ने। देखिए अभी आज एक झगड़ा हुआ था अभिषेक के साथ, उसमें भी स्टैंड लिया मुनावर ने। हालांकि गलती उसमें मनारा की थी, क्योंकि अरुण, राइडर, बाकी लोग सब मनारा को गलत साबित कर रहे थे, मनारा गलत थी। तो रिंकू ये जो बोल रही है, रिंकू जी बोल रही है कि ये जो मनारा उदास घूमती फिरती है ना, उदास जो है ना, ये इसके इनर सर्कल जो है, मतलब इसकी जो इनर सर्कल है, ये मनारा उनको मानती है ना बहुत, तहलका, अरुण, उनको बहुत मानते हैं ना। तो उसके इनर सर्कल में पीस नहीं है मनारा के। तो मतलब जब तहलका, अरुण जब वहाँ अंकिता के साथ बैठा हुआ था ना वो लोग, तो मनारा को वो प्रॉब्लम हो रहा था। जी हाँ, तो उस मनारा जो है उसको प्रॉब्लम है कि उसके दोस्त अगर अंकिता और के साथ बैठे तो ये एक है ना। तो एक कंधा उसके लिए चाहिए, उसको एक कंधा चाहिए मनारा को, है ना। मतलब तो रिंकू जी ने मुनावर को बोला तू एक नीड है मुनावर, मनारा के लिए, है ना, प्रायोरिटी कोई और है उसकी, राइडर है। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद मुनावर ने रिंकू को बोला तो मैं भी ये क्लियर करूँगा, है ना, अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं भी ये क्लियर करूँगा उसके साथ। तो फिर रिंकू जी बोली तब तो वो उदास हो जाएगी, है ना, मनारा उदास हो गई, फिर वो हर किसी के साथ बैठेगी जाके, है ना। तो मनारा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है उसका, जब से बिग बॉस ने बोला उसको कि थोड़ा उसको पैम्पर करो। वैसे भी वो पैम्पर चाइल्ड है मनारा, है ना, बच्ची है, बच्ची जैसे, लेकिन उसको मतलब बड़ा होना पड़ेगा, सलमान सर को समझाना पड़ेगा ना उसको। तो इसी बीच और एक थोड़ा बहस हुआ अंकिता और मुनावर की, थोड़ा सना आई, अंकिता और मुनावर शायद बैठे हुए थे गार्डन एरिया में, सना आके बोली ये कप किसका है। तो मुनावर ने बोला ये कप अंकिता का है। फिर अंकिता उठ के आई, मैं धो दूंगी, मैंने नहीं पिया है, पर ये मैं धो दूंगी, ये कप मैं धो दूंगी, फिर भी मैं धो दूंगी, मैं नहीं पिया। तो रूड बिहेवियर से थोड़ा बात हुआ अंकिता का। तो मुनावर ने बोला, गुस्सा आते हुए कि अंकिता को कहा कि ये कैसे टोन में बात कर रही हो आप, है ना, बात कंप्लीट ना होते हुए आप बीच में आ रही हो। तो अंकिता बोली तू तो बोल ही रहा था ना कि मेरा कप है, तो इसीलिए मैंने जवाब दे दिया, है ना। तो अंकिता भी बहुत पॉजिटिव है मुनावर को लेके, है ना, तो ये भी प्रॉब्लम है। अब देखिए यहाँ पर क्या सुनाई दे रहा है, देखिए अंकित, अनुराग और मनारा का सुनाई दे रहा है अभी, क्या लोग बात कर रहे हैं फिर। का जो प्लस माइनस 18 था उसमें मेरा नाम आना सर, बट उसमें मैं इन्वॉल्व हो रहा था ना, वो फ्लिप नहीं है, जैसे तुझे वाली तेरी वाली बात फ्लिप नहीं लगती ना, क्योंकि वो तेरे कैरेक्टर पे आ रही थी, तेरे रिलेशनशिप पे आ रही थी, तो वो बात मेरे पे आ रही थी। वो बात भी अरुण ने ही करी थी, वो बात भी अरुण ने ही करी थी, इसीलिए दिस इज द रीजन आई डोंट ट्रस्ट हिम। हाँ, मैंने, मेरे को नहीं बोलनी चाहिए थी, मैं अवॉइड कर सकता था वो सिचुएशन, बट आई एक्सपेक्टेड द सेम फ्रॉम यू। तू वहाँ पर वो अवॉइड कर लेती तो वो बाद में सॉर्ट हो जाता, बट चल ठीक है, आई एक्सेप्टेड वॉट आई डिड, कि मैंने वो चीज़ पब्लिकली बोली और एक्नॉलेज। सो ये भी है ना।